कैबिनेट मिशन ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। माउंटबेटन योजना 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए। पद ग्रहण करते ही उन्होंने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं से तात्कालिक समस्याओं पर व्यापक विचार विमर्श किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी विकल्प पर सहमत नहीं हुई। माउंटबेटन ने कांग्रेस से देश के विभाजन रूपी कटु सत्य को स्वीकार करने का अनुरोध किया। कांग्रेस नेता भी परिस्थितियों के दबाव को महसूस कर इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के बाद देश के विभाजन की तैयारी आरंभ हो गई। बंगाल और पंजाब में जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन के अधीन सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता रैटक्लिफ ने की। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन करने वाली रेखा को रैटक्लिफ रेखा कहा गया। विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री एवं लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल बने तथा पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना एवं प्रधानमंत्री लियाकत अली को बनाया गया। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ।